आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिक टू लर्न द एग्जांपल ऑफ सॉरी फंक्शन ऑफ एब्सेसिक एसिड। ठीक है, एब्सेसिक एसिड का फंक्शन हम लोग याद करेंगे और ये भी मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि एंटागोनिस्ट टू ज्यूरेलिक एसिड होता है, इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिमेम्बर कर सकते हैं, बार बार भूल जाते हैं ना, इसीलिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं क्या हमारा मिमोनिक्स है। इसको याद करेंगे किस चीज से, मैड सी। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम लोग किस चीज से, मैड सी। ठीक है, मैड सी से याद रखेंगे जितना भी एग्जांपल है, सॉरी जितना भी फंक्शन है। ठीक है, जितना भी फंक्शन है एब्सेसिक एसिड का सारा। ठीक है, मैड से, एम से हो जाएगा मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर। देखो ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है जिसके कारण प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, मतलब इनहिबिट करता है। तो प्लांट का ग्रोथ का इनहिबिटर, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एब्सेसिक एसिड। ठीक है, दूसरा है प्रोमोट एब्सेशन इन लीफ। यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे लीफ को। ठीक है, लीफ इंपॉर्टेंट है, अगर सिर्फ लीफ दिया हो तो एब्सेशन प्रोमोट करेगा लीफ में। ठीक है, नेक्स्ट इज डोरमेंसी प्रोमोटर, डोरमेंसी को प्रोमोट करता है। ठीक है, फिर दूसरा है एस से हो जाएगा स्टोमेटा क्लोजर। जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन में होता है, ठीक है, वाटर का जब कमी हो जाता है वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, स्टोमेटा को क्या करता है, बंद करता है, किसके हेल्प से, एब्सेसिक एसिड के मदद से। अब नेक्स्ट है इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। ओवरऑल ये क्या है, एब्सेसिक एसिड इज इनहिबिटर। ठीक है, जो डोरमेंसी को प्रमोट करता है, एब्सेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ठीक है, अब देखो एब्सेसिक एसिड को बोलते हैं एंटागोनिस्ट टू जीए, ये जिब्रेलिक एसिड के अपोजिट में काम करता है। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड होता है इसको कैसे याद रखेंगे, गावा से। कैसे याद रखेंगे इसको, गावा से। ठीक है, देखो जीए और एवीए ऐसे याद रखो, जीए और एवीए। ठीक है, जीए और एवीए कैसे याद रखो, गावा। ठीक है, ये एवीए हो गया और एक ये जी हो गया। ठीक है, तो ये जिब्रेलिक एसिड होता है, एब्सेसिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है जिब्रेलिक एसिड के। ठीक है, इसीलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन करते हैं, क्योंकि ये इसका रीजन ये होगा क्लोजर ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, तो भाई जिब्रेलिक एसिड जो होता है, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, सिट डोरमेंसी को ब्रेक करता है। ठीक है, सिट डोरमेंसी को ब्रेक करता है, लेकिन एब्सेसिक एसिड क्या करता है, सिट डोरमेंसी को इंड्यूस करता है। ठीक है, ये यहाँ पे बात हो गई, और यहाँ पे ये जिब्रेलिक एसिड ब्रेक करता है सिट डोरमेंसी को। जिब्रेलिक एसिड को याद करने का तरीका मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, तो जाके इस चैनल पे देखना। ठीक है, तो ये था पूरा एक ट्रिक जिसके कारण जिससे हम लोग पूरा फंक्शन याद कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।